स्नेहा की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं कांजीवरम इडली। के लिए चाहिए आपको इडली, उसको इस तरह चार पीस में काट दीजिए। राई, मिर्च और कड़ी पत्ता। सबसे पहले हम तेल गरम करेंगे कढ़ाई में, पत्ता डालेंगे, राई डालेंगे तेल में और ये हरी मिर्च, लाल मिर्च डाल देंगे। जब राई तड़क जाए तो इसमें हम ये कटी हुई इडलियां डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो हल्दी भी डाल सकते हैं इसमें, या और मसाले डालना चाहें तो आप इसमें डाल सकते हैं। मैं थोड़ी हल्दी भी ऐड कर दे रही हूँ, इसको अच्छे से चला लीजिए और फिर इसमें ढक्कन लगा दीजिए बंद करने के बाद थोड़ी देर के लिए। देखिए आपकी कांजीवरम इडली इस तरह तैयार हो गई है। आप इसे सॉस के साथ, नारियल की चटनी के साथ, हरी चटनी के साथ, जिसके साथ चाहें आप इसे परोसें। ये बच्चों को बहुत पसंद है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।